हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग दो बहनों को देखेंगे। ये लोग जंगल में एक कैबिन चलाया करती थी और जब भी कोई लड़का उनके कैबिन में रहने के लिए आता था, ये दोनों मिलकर उसे सेड्यूस करती थी और इसके बाद ये दोनों उसके साथ इंटीमेट होते थे। इसी तरह एक दिन जॉनी नाम का एक लड़का इनके पास आता है, वो दोनों बहनें उसे भी सेड्यूस करती है। जब जॉनी रात में सोने के लिए अपने कमरे में जाता है, तब बड़ी बहन चुपके से कमरे में आती है और वो यहाँ जॉनी को सेड्यूस करती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग लियो को देखते हैं, जो कि एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहा होता है और रात बिताने के लिए उसे एक जगह चाहिए थी। वो जाते हुए एक औरत से पूछता है, वो उसे एक कैबिन के बारे में बताती है। साथ ही साथ वो लियो से कहती है, उस कैबिन में दो लड़कियां रहती हैं जो कि आपस में बहनें हैं। अगर तुम वहां जाते हो तब तुम उन लोगों से बच के रहना, क्योंकि वो लोग काफी गर्म शरीर वाली हैं। लियो उस औरत को थैंक यू बोलकर उस कैबिन की तरफ चल देता है। वहीं इधर जंगल में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मियां है। वो अभी जंगल में ताजी हवा लेने के लिए आई थी, लेकिन तभी उसे जोर से टॉयलेट लगता है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता है तब वो खुले में ही बैठ जाती है। जब मियां टॉयलेट कर रही होती है तभी लियो यहाँ पहुँचता है और मियां को देखकर वो छुप जाता है। मियां भी अब समझ चुकी थी कोई उसे छुपकर देख रहा है, इसलिए वो अपने काम को खत्म करने के बाद चुपचाप यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लियो मियां को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस जंगल में वो उसे ढूंढ नहीं पाता है। मियां जंगल के रास्तों से जा रही होती है और लियो भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि मियां उसे बहुत ब्यूटीफुल लगी थी और वो मियां के साथ मस्ती करना चाहता था। मियां का पीछा करते हुए लियो एक कैबिन तक आ जाता है, तभी मियां भी उसके पास आती है। मियां को अचानक इतने पास देखकर लियो बहुत डर जाता है। इसके बाद मियां उसे कैबिन में लेकर जाती है। इस कैबिन में मियां की बड़ी बहन लिया भी होती है। वो लियो को यहाँ आता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। वो जल्दी से बाहर आकर लियो का स्वागत करती है। लिया देखने में बहुत सुंदर थी, उसके गर्म शरीर को देखकर लियो भी उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। लियो इन दोनों को यहाँ बताता है, वो वीकेंड मनाने के लिए इस माउंटेन में आया था और मुझे रात बिताने के लिए एक जगह की तलाश है। लियो की बात को सुनकर वो दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। इसके बाद वो लोग लियो को खींचकर अंदर की ओर लेकर जाती हैं। अब यहाँ रात हो चुकी है। लियो उन दोनों बहनों के साथ डिनर कर रहा था, लेकिन इन दोनों को देखकर लियो बहुत शर्मा रहा था, जिसकी वजह से उसने खाना शुरू नहीं किया था। तभी मियां लियो को प्यार से धमकी देते हुए ये कहती है, तुम खाना शुरू करो नहीं तो यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद लियो जल्दी जल्दी खाना शुरू करता है। मियां के ऐसे बिहेवियर को देखकर लियो बहुत हैरान था। अब ये तीनों खाना खा रहे थे, तभी लिया को बदमाशी सूझती है और वो अपने पैरों को लियो के टांगों के बीच में ले जाती है। लिया के नौटीपन को देखकर लियो बहुत चौंक जाता है। इसके बाद मियां भी बदमाशी शुरू करती है, लेकिन उसने तो लियो के छोटे चेतन को ही पकड़ लिया। दोनों बहनों की इन हरकतों को देखकर लियो के हाथ पैर कांपने लगते हैं। डिनर को कंप्लीट करने के बाद लियो अपने कमरे में जाता है। वो यहाँ अपनी फैमिली को कॉल करके ये बताना चाहता था कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे रहने के लिए एक जगह भी मिल गया है, लेकिन यहाँ जंगल में उसके फोन में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी लिया कमरे का दरवाजा खोलकर ये कहती है, मैं तुम्हारे छोटे चेतन की सवारी करना चाहती हूँ। इसके बाद वो लियो के पास में आती है। वो उससे कहती है, आज मैं तुम्हें अपनी झील का पानी पिलाऊंगी, तुम्हें जरा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ मैं ही करने वाली हूँ। इसके बाद वो अपने कपड़ों को उतार कर लियो के साथ इंटीमेट होती है। कुछ ही देर के बाद लिया अपने झील का पानी निकाल कर यहाँ से जा चुकी थी और इस कमरे में लियो अकेला सिगरेट पी रहा था। कुछ ही देर बाद वो सो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगती है उसे अपने बेड पर कुछ हलचल महसूस होती है। अभी ली के बिस्तर में आने वाली मियां थी, वो भी यहाँ आकर उसके छोटे चेतन से खेलती है, लेकिन लियो पहले राउंड के बाद बहुत थका हुआ था, जिसके वजह से दूसरे राउंड में उसका परफॉर्मेंस काफी डाउन रहता है। मियां को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मियां को ऐसे आदमियों से बहुत नफरत थी जो कि उसके कुएं के पानी को निकालने से पहले ही हार मान जाए। अगले दिन हम लोग इन दोनों बहनों को देखते हैं। इन दोनों में अभी बहुत झगड़ा हो रहा था। लिया यहाँ मियां को बहुत डांट रही होती है, क्योंकि उसने रात में लियो को मार दिया था। मियां ने ऐसे ही कई लड़कों को मारा था जो कि उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे। इधर हम लोग सू नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि लियो के तरह ही घूमने के लिए इस इलाके में आया था। वो रात रुकने के लिए एक जगह की तलाश में था। वो भी जाकर उसी औरत से मिलता है। वो औरत उसे भी कैबिन के बारे में बताती है। सू से थैंक यू बोलकर कैबिन की तरफ चलता है। इस औरत को उन दोनों बहनों के बारे में सब कुछ पता था। वो ये भी जानती थी सू वहाँ जाने के बाद दोबारा इस इलाके में नजर नहीं आने वाला है। इधर हम लोग मियां को देखते हैं, जो कि जंगल में जाती है और वो अभी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने उसे बहुत डांटा था, इसलिए वो ठंडे पानी से नहाकर अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करती है। वहीं इधर हम लोग सू को देखते हैं, जो कि उस कैबिन की तलाश में जंगल में बहुत अंदर तक आ गया था। जैसे ही वो थोड़ा और आगे जाता है, उसे मियां दिखाई देती है जो कि इस नदी में नहा रही होती है। मियां को सू के बारे में पता चल जाता है कि वो उसे छुपकर देख रहा है। इसके बाद वो पीछे मुड़कर सू को अपने पास बुलाती है।
उसकी बातों को मानकर सू उसके पास आता है। मियाँ के खूबसूरती को देखकर सू उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मियाँ यहाँ उसे सड्यूस करती है। इसके बाद ये लोग यहीं पर घपाघप करते हैं। इधर रिया बहुत परेशान थी क्योंकि मियाँ को गए हुए काफी टाइम हो चुका था और अब तक उसकी कोई भी खबर नहीं थी। लेकिन जब लिया उसका वेट कर रही थी तभी मियाँ सू को लेकर यहाँ पहुँचती है। सू जब लिया के तरबूजों को देखता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो इन दोनों बहनों को ये बताता है वो इस जंगल में तस्वीरें खींचने के लिए आया है, लेकिन अब रात होने वाली है इसलिए उसे रात बिताने के लिए एक जगह की तलाश है। सू की बात को सुनकर लिया उसे अंदर लेकर जाती है। लिया जब सू को अंदर ले जा रही होती है तब ये देखकर मियाँ को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जानती है जैसे ही रात होगी लिया सू के नीचे लेट जाएगी। इसके बाद ये तीनों लोग डिनर करते हैं। इस खाने को लिया ने बनाया था जो कि बहुत टेस्टी था, इसलिए सू खाने की तारीफ करता है। खाना खाते हुए सू इन दोनों बहनों से उनके परिवार के बारे में पूछता है। इन दोनों बहनों के माता पिता इसी कैबिन में रहा करते थे और इन दोनों का जन्म भी इसी कैबिन में हुआ था। अपने माता पिता के मौत के बाद ये दोनों बहनें यहीं पर रहने लगी थी। अब रात हो चुकी है। इसके बाद लिया सू को उसका कमरा दिखाती है और वो कमरा दिखाते हुए ये कहती है अगर तुम्हें रात में कभी भी मेरी जरूरत हो तब मुझे याद कर लेना। ये कहकर लिया यहाँ से जाती है और सू इस कमरे में आराम करने लगता है। सू को ये कमरा काफी अच्छा लगा था क्योंकि इस कमरे में साफ सफाई को मेंटेन किया गया था। इधर हम लोग मियाँ को नहाते हुए देखते हैं जो कि अपने अंगों को खूबसूरत बनाने में लगी हुई थी। नहाने के बाद वो सू के कमरे में आती है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ ही देर के बाद मियाँ अपने कमरे में वापस आ गई थी क्योंकि उसे सू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। असल बात ये थी सू भी उसके कुएं से पानी निकालने में बिल्कुल असफल रहता है जिसके वजह से मियाँ को बहुत गुस्सा आ रहा था और अब वो सू को भी मारना चाहती है। लेकिन पिछली बार रिया ने उसे बहुत डांटा था जिसके वजह से उसने सू को जिंदा छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग पुलिस को देखते हैं जो कि एक चोर का पीछा कर रही थी। उस आदमी का नाम जॉनी था। जॉनी पुलिस से भागता हुआ जंगल में आ जाता है और पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। इधर सू अपने कमरे से बाहर आता है क्योंकि मियाँ के साथ इंटीमेट होकर वो जान चुका था कि इन दोनों बहनों की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और उसे इस जगह से जल्दी निकल जाना चाहिए और इसी वजह से वो बिना बताए इस कैबिन से भाग रहा था। जब सू बाहर सिगरेट पी रहा होता है तभी जॉनी उसे मारकर बेहोश करता है। अगले सुबह में लिया मियाँ को जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है। मियाँ काफी रात तक सू के साथ में थी इसलिए उसकी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई थी। रिया उसे बताती है सू बिना बताए यहाँ से चला गया। ये बताकर वो कमरे से बाहर जाती है। सू के जाने के खबर को सुनकर मियाँ को बहुत गुस्सा आता है लेकिन यहाँ वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर से अपने बिस्तर पर लेट जाती है। सुबह इनके कैबिन के दरवाजे पर एक लड़का आता है। लिया के पूछने पर वो लड़का ये कहता है उसकी गाड़ी पास में ही खराब हो गई है और मुझे रात बिताने के लिए एक जगह की तलाश है। रिया उसकी बात मानकर उसे अंदर ले आती है। ये नया लड़का कोई और नहीं बल्कि जॉनी था जिसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। लिया जॉनी को कमरे में छोड़कर दरवाजे को बंद कर देती है। लिया के यहाँ से जाने के बाद जॉनी ये फैसला करता है कि वो आज रात यहीं पर बिताएगा और जैसे ही सुबह होगी वो लिया को मारकर उसके पैसे लेकर यहाँ से भाग जाएगा। थोड़ी ही देर बाद ये दोनों बहनें खाना खा रही होती हैं। खाना खाते हुए लिया मियाँ को ये बताती है घर में एक न्यू लड़का आया है। न्यू लड़के की खबर को सुनकर मियाँ बहुत खुश होती है। वो ये फैसला करती है वो रात होने का इंतजार नहीं करेगी क्योंकि कल रात सू ने उसे सेटिस्फाई नहीं किया था। इधर लिया मियाँ को इस नए लड़के से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि लिया को ये लड़का ठीक नहीं लगा था। लेकिन मियाँ तो एक नंबर की ठरकी थी, उसे तो बस छोटा चेतन चाहिए था चाहे वो किसी का भी हो। मियाँ को जैसे ही मौका मिलता है वो जॉनी के कमरे में जाती है और वो जॉनी को सेड्यूस करके उसके साथ इंटीमेट होती है। लेकिन मियाँ के गर्मी के आगे जॉनी की एक भी नहीं चलती है। इस बात से मियाँ को फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर जॉनी को भी मार देती है। अब जांच करते हुए पुलिस भी इस कैबिन में आ चुकी है। पुलिस यहाँ इन दोनों बहनों को जॉनी की तस्वीर को दिखाकर इन दोनों से इस आदमी के बारे में पूछती है। जॉनी की सच्चाई जानकर लिया पुलिस को सब कुछ सच बताती है। वो कहती है जॉनी अभी उसी के घर में है। इसके बाद पुलिस जल्दी से घर में जाती है। जैसे ही पुलिस कमरे में आकर जॉनी को गिरफ्तार करती है ये लोग जानते हैं जॉनी अब मर चुका है और मियाँ ने उसे मार दिया है। लेकिन इधर मियाँ पुलिस से झूठ बोले जा रही थी और वो कहती है जॉनी उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था और वो उसके इज्जत के साथ खेलना चाहता था और मुझे अपनी इज्जत को बचाने के लिए जॉनी को मारना पड़ा। पुलिस इनकी बातों को सुनकर चली जाती है। ये दोनों बहनें पुलिस के पहुंच से बहुत दूर थीं और इसी तरह ये लोग खुशी खुशी अपने कैबिन को रन करती हैं और जब भी कोई नया लड़का आता है ये दोनों मिलकर उसके साथ इंटीमेट होती।